चलो प्रॉब्लम है थ्री क्वेश्चन नंबर 25। ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ना, ये भी कौन से सम पे बेस्ड है? कॉन्साइक्लिक पॉइंट की। तो मेरी सम बेस्ड ऑन कॉन्साइक्लिक पॉइंट की वीडियो भी है और मेरी कॉन्साइक्लिक पॉइंट वाली वीडियो भी है, तुम लोग वो वीडियो देख लेना, समझ आए। तो ये सम तुम लोग को थोड़ा इजी पड़ेगा। इन फिगर एडी परपेंडिकुलर टू बी सी, एडी परपेंडिकुलर टू बी सी, परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसका मतलब एडी कौन हो गया? एल्टीट्यूड। सेगमेंट बीई इज परपेंडिकुलर टू साइड ए सी, यानी बीई कौन हो गया? एल्टीट्यूड। बीई कौन हो गया? एल्टीट्यूड। सेगमेंट सी एफ इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, यानी सी एफ कौन हो जाएगा? एल्टीट्यूड। ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, इतना समझ में आ गया। पॉइंट ओ इज द ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ओ कौन उन लोग ने क्वेश्चन में बोल दिए? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या? जब तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस में मिलेंगे, ये एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड एक पॉइंट जहां पे मिल रहे, वो पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ये ओ कौन है? ऑर्थो सेंटर। उन लोगों ने क्वेश्चन में बोले ओ कौन है? ऑर्थो सेंटर। तो तुम्हारा कैसे मान पड़ा ओ ऑर्थो सेंटर है? क्वेश्चन में बोले गिवन के अंदर। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या? जब तीन एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। लेकिन तुम्हारे को प्रूफ क्या करने का है? पॉइंट ओ इज द ऑर्थो सेंटर तो उन्होंने बोले, तुम्हारे को प्रूफ करने का कि पॉइंट ओ इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल डीई एफ। अभी ट्राइंगल बोल दिया डीई एफ तो यहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, उन लोग ने बोल दिया, पे अटेंशन ऑफ ट्राइंगल डीई एफ। डीई एफ तो डी से ई को जोड़ देंगे, ई से एफ को जोड़ देंगे और एफ से डी को जोड़ देंगे। बट ये कंस्ट्रक्शन नहीं है। तुम्हारे को ये पता है ओ कौन है? ऑर्थो सेंटर। लेकिन तुम्हारे को प्रूफ क्या करने का है? ओ कौन है? इन सेंटर। और इन सेंटर तुम लोग ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में सीखे ले, इन सर्कल, सर्कल के चैप्टर में कंस्ट्रक्शन आता है इन सर्कल बनाओ। तो इन सर्कल किसकी मदद से बनता है? एंगल बाइसेक्टर। इन सर्कल किसकी मदद से बनता है? एंगल बाइसेक्टर। और सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर से क्या बनता है? सर्कम सर्कल। सर्कम सेंटर से क्या बनता है? सर्कम सर्कल। और सर्कम सर्कल के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर्कम सेंटर के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इन सेंटर के लिए एंगल बाइसेक्टर। फिलहाल तुम्हारे को मालूम है ये सबके सब कौन है? एल्टीट्यूड। सबके सब कौन है? एल्टीट्यूड। लेकिन अब ये ट्राइंगल के लिए तुम्हारे को ये ईओ डीओ एफओ को क्या बताना पड़ेगा? एंगल बाइसेक्टर। क्या बनाना पड़ेगा? क्या बताना पड़ेगा? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या? अगर ये एफ ई डी एंगल है तो ये एंगल इक्वल, अगर एफ डी ई एंगल है तो एंगल एफ डी ओ और एंगल ई डी ओ इक्वल, अगर ये एंगल डी एफ ई है तो तुम्हारे को क्या बताना पड़ेगा? एंगल डी एफ ओ इज इक्वल टू एंगल ई एफ ओ। क्योंकि ये इसके अंदर तुम्हारे को ये ओ को ऑर्थो सेंटर तो लोग ने दिए, तुम्हारे को क्या प्रूफ करने का है? इन सेंटर। और इन सेंटर के लिए तुम्हारे को ये जो ई ओ डी ओ और एफ ओ को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एंगल बाइसेक्टर। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एंगल बाइसेक्टर। तो चलो सब में पहले मैं ले रहा हूं ये वाला एंगल, एफ ई ओ। कौन सा एंगल ले रहा हूं मैं? एफ ई ओ। एफ ई ओ के अंदर पहला, सब में पहला प्रूफ करेंगे कि ईओ कौन है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ ई डी। समझ आ गया? यानी मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? एक एफ ई ओ, एफ ई डी, सॉरी एफ ई ओ नहीं, एफ ई डी। यानी ये है एफ, ये है ई और ये है डी। तुम्हारे को क्या प्रूफ करने का है? कि ये जो ई ओ क्या होना चाहिए? एंगल बाइसेक्टर। यानी तुम्हारे को यहाँ पे और यहाँ पे मार्किंग लेके आने का है, कैसे भी करके प्रूफ करने का कि एफ ई ओ इज इक्वल टू ओ ई डी। एफ ई ओ इज एंगल एफ ई ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ई डी, तभी तुम बोल सकते हैं कि ई ओ कौन है? बाइसेक्टर। ई ओ कौन है? बाइसेक्टर। समझ आ गया? तो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। प्रूफ
ये देखो तुम्हारे को यहाँ पे दिख रहा है एंगल ए ई बी 90 है। अगर ए ई बी 90 है तो बी ई सी बी 90 है ना, और बी ई सी में तुम्हारे को अगर मैं बी अगर मैं और कम पे जाऊंगा बी ई सी 90 यानी ओ ई सी बी 90 है ना, ओ ई सी बी क्या रहेगा 90 है ना, आए समझे, ओ ई सी बी 90। एक मिनट तुम्हारे को मालूम है अगर बी ई ए 90 है तो बोल सकते ए ई ओ बी 90, तो लिखिए बताओ एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर वन। ए ई ओ 90 उसी तरीके से इसके अंदर दिख रहा है ए एफ ओ बी 90। ये देखो अगर ए ई ओ 90 दिए ए एफ ओ बी 90 बताओ एंगल ए एफ ओ 90, ये क्वेश्चन नंबर टू। मैं फिलहाल ये ट्राइंगल ले रहा हूं, इतना हिस्सा, ये ट्राइंगल नहीं कोऑर्डिनेटर ए एफ ओ ई, ये 90 तो ये भी 90 यानी इधर 90 है, ये 90 तो ये भी 90 इधर 90 है ना, ए ई ओ 90 है ए एफ ओ 90 है और ये कोऑर्डिनेटर के अंदर एक पैर ऑफ अपोजिट एंगल को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो 180 डिग्री बन रहा है, तो ये कोऑर्डिनेटर क्या बन जाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम। तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू एंगल ए ई ओ प्लस एंगल ए एफ ओ इज इक्वल टू 90 प्लस 90 एंगल ए ई ओ प्लस एंगल ए एफ ओ इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180 डिग्री। वन पैर मिल गया अपोजिट, एक पैर हो गया बस है, दोनों पैर मत बताओ, वन पैर ऑफ अपोजिट एंगल मिलके 180 डिग्री बन रहा है, यानी ये कोऑर्डिनेटर कौन हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम। कभी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रूफ करेंगे तो क्या बताएंगे, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम। देयरफॉर कोऑर्डिनेटरल समझे ना, ए एफ ओ ई इज अ साइक्लिक, इज अ साइक्लिक। और रीजन क्या लिखेंगे, मैं इधर नीचे लिख रहा हूं डॉट 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 डाल दिया, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। इतना समझ में, तो एफ ए सॉरी ए एफ ओ ई हमने प्रूफ कर दिया कि कौन है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की इधर से क्या जाती है, सर्कल पास होता है ना, सर्कल पास होता है। तो देखो ये फिगर के हिसाब से क्या क्या लाइन जॉइंट है, एक एफ ई जॉइंट है ना, ये एफ है, एफ से ई जॉइंट है, एफ से ई जॉइंट है और ए से ओ, ए से ओ। तो देखो क्या दिख रहा है, ये एफ ओ के सामने, ये एफ ओ के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एफ ई ओ इंस्क्राइब एंगल है, और ये एफ ओ के सामने ये वाला भी एंगल आ रहा है एफ ए ओ, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट एंगल, इंस्क्राइब इन द सेम आकार, कॉन्ग्रुएंट। समझे ना, पहले तो सर्कल नहीं था लेकिन अभी सर्कल आ गया ना, क्योंकि हमने उन्हें साबित कर लिया कि ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। समझ आया ना, तो कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल एफ ई ओ इज इक्वल टू एफ ए ओ, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल एफ ई ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू, एंगल एफ ई ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ ए ओ। इक्वेशन नंबर थ्री, और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल एंगल्स इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अभी तुमने क्या बता दिए, कौन सा एंगल इक्वल हो गया, एंगल एफ ई ओ है ना और एंगल एफ ए ओ, ये वाला है ना, मैं मार्किंग बताते जा रहा हूँ।
ओके इतना समझ में आया, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट चलो अभी तुम लोग ये देखो AEDF, मैं ये फिगर है ना, मैं इधर को नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं, मेरे को किसी भी हाल में पहले मैं ये प्रूफ करूंगा कि ये EO कौन है, एंगल बाइसेक्टर किसका, FED का। ओके चलो मैं क्या करूंगा, कौन सी वीडियो बना रहा हूं, ये AB बनाया, कौन सा एक्लिक वाली वीडियो देखे ना तो तुम लोग फिगर अच्छे से कैच कर सकते। AE बनी, AE से ये कौन है, B। ओके ये BD बना, D से आगे समझे। देखो इसके अंदर लोग बाहर कैसा दिख रहा है, ये 90 तो ये भी 90, यानी एंगल AEB 90 डिग्री करेक्ट, ADB 90, ये 90 तो ये भी 90, एंगल ADB 90 ना, ये भी 90। देखो यही साइड के सेम साइड पे ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, दोनों क्या है 90 डिग्री है ना, तो ये AEDB या ABDE कौन बन जाएगा, कॉन्साइक्लिक पॉइंट। अगर ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू द फोर पॉइंट्स है ना। तो चलो एंगल AEB क्या दिख रहा है, 90 डिग्री, और एंगल ADB ये भी क्या है, 90 डिग्री, और दोनों इक्वल है। एंगल AEB है ना, ये एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल ADB, या तो एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये क्या है तुम्हारा, गिवन फिगर में दिख रहा है। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, एंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADB। इसका मतलब क्या हो गया, सेगमेंट AD क्या फॉर्म कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट एंगल, क्या फॉर्म कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट एंगल। फॉर्म को तुम लोग इधर क्या लिखेंगे, सबटेंड्स, कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल है, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स एट पॉइंट्स E and D के तुमने पहले AE बताया, फिर AD भी बताया, at points E and D which are on the same side लिखो, या तो क्या लिख दो, line, which are on the same line AB, side ही लिख देंगे तो अच्छा है, which are on the same side AB। आगे समझ लें, तो ये स्टेटमेंट से हम लोग को मालूम पड़ गया ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, यही साइड के सामने फॉर्म हो रहे, यानी ये चारों पॉइंट कौन हो जाएगी, कौन साइक्लिक पॉइंट, पॉइंट ABDE क्या हो जाएगा, कौन साइक्लिक पॉइंट। देयरफॉर पॉइंट्स ABDE आर कौन साइक्लिक पॉइंट्स, समझ आ गया। अगर ये कौन साइक्लिक पॉइंट है तो क्या होता है, देयर एग्जिस्ट अ सर्कल, बनाते मत बैठना, यहां पे से सर्कल जाता है, यहां पे से सर्कल जाता है, पास होता है, कौन सा क्लिक पॉइंट पे से सर्कल क्या होता है, पास होता है, मत ना, कौन सा क्लिक पॉइंट के इधर से सर्कल पास होता है, वो कौन सा कोऑर्डिनेटर रहता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब देखो कौन सी लाइन जुड़ी हुई, FE जुड़ी हुई है इसके अंदर, यानी तुमने कौन सा सर्कल, कहां पे बोले सर्कल पास हो रहा है, BD ड्रॉइंग बना, ये सर्कल बनाते मत बैठना, BD AB यहां पे,
बी डी, बी से डी, डी से ई, ई से ए, ए से बी, इधर तक के सर्कल पास हुआ है, समझ आए। देखो इसके अंदर कोई दिख रहा है एंगल, इसका भी अंदर सेम आ, देखो ये एंगल देखो बी ई डी, बी ई डी देखो ई डी जॉइंट है ना, बी ई डी के सामने कौन सी आर्क आ रही है, बी डी की, कौन सी आर्क आ रही है, बी डी है ना, यानी एंगल बी ई डी के सामने आर्क आ रही है बी डी, कौन सी आर्क आ रही है बी डी, और एंगल बी ए डी है ना, एंगल बी ए डी उसके भी सामने कौन सी आर्क आ रही है बी डी, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए डी। रीजन क्या लिखेंगे, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना ना, अगर ये कौन साइक्लिक है तो मैं जब सब साइड जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तुमको मालूम है कौन साइक्लिक पॉइंट के अंदर एंगल इसका बिना सेम आकार कॉन्ग्रुएंट आता है ना, यानी बी ई डी, बी ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये देखो बी ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आकार कॉन्ग्रुएंट, एंगल्स इंस्क्राइब इन द सेम आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आकार कॉन्ग्रुएंट। तो देखो बी ई डी को, बी ई डी को मैं क्या बोल सकता हूं, ओ ई डी, एंगल बी ई डी को मैं क्या बोल सकता हूं, ओ ई डी, एंगल ओ ई डी, बी डैश ओ डैश ई, मैं इधर लिख रहा हूं रीजन, बी डैश ओ डैश ई कॉन्ग्रुएंट की जगह पे कॉन्ग्रुएंट, वेयर इज बी ए डी, बी चलो ये OED कैसे बना समझ में ना, BED को मैं बोलूंगा OED, और ये BAD को मैं बोलूंगा FAO है ना, B' F' A, समझ ना, BAD को मैं बोल सकता हूँ FAO, ये रीजन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कंफ्यूजन मत डालो, FAO ऐसे ही वर्ड लंबा सा, FAO क्या लिखा मैंने, FAO, ये इक्वेशन नंबर 4। अभी ये फोर इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर 3 ये FEO इज कॉन्ग्रुएंट टू FAO, FEO इज कॉन्ग्रुएंट टू FAO, OED इज कॉन्ग्रुएंट टू FAO। एक मिनट में इक्वेशन 3, एक मिनट पेज दो मेरे कोई भी, हाँ पॉज करो मेरे को पेज देना, देखो मेरी इक्वेशन 3 ये पेज पे, इक्वेशन 3 ये पेज पे, इक्वेशन 4 मेरी ये पेज पे, मैं दोनों इक्वेशन ये पेज पे लिख के बता रहा हूं, एंगल एफ ई ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ ए ओ, ये इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 4 एंगल ओ ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ ए ओ, ये इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3 एंड 4, एफ ई ओ एफ ए ओ से कॉन्ग्रुएंट है, ओ ई डी एफ ए ओ से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, एंगल एफ ई ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ ई डी, समझ में आ गया। तो यही जो मिला, यही जो मिला मैं मेरे मेन पेज पे लिख के बताऊँ, समझ ना, 3 और 4 को मैंने कैसे कंपेयर करा, तुम लोग पॉज करके देखना क्या मिला मेरे को अभी, कि एंगल एफ ई ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ ई डी डॉट 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 From 3 and 4, from 3 and 4, अब देखो FEO और OED को, FEO और OED, यानी ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो EO कौन हो जाएगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल FED, EO कौन हो जाएगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल FED, therefore समझ रहे, ये इसकी वजह से एंगल एफ ई ओ, शायद वो हुआ, देखो बच्चे लोग वापस से, एंगल एफ ई ओ, ये जो एफ ई ओ ना, एंगल एफ ई ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ ई डी, देयरफॉर रे ई ओ, देयरफॉर रे ई ओ बाइसेक्ट एंगल एफ ई डी, या तो तुम ऐसा भी लिख सकते हैं,
रे ई ओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ ई डी, या तो ऐसा भी लिख सकते सेगमेंट ई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ ई डी, वन एंड द सेम मिले, समझ आ गया। उसी तरीके से अभी तुम्हारे को ये भी बताने का, डी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ डी ई, एफ ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ ई, तो इतना बड़ा स्टेप्स नहीं करते बैठेंगे। सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट रे एफ ओ एंड रे डी ओ आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ ओ, एफ ओ किसका एंगल बाइसेक्टर है, डी एफ ई या ई एफ डी जो बोलने का बोलो, मैं बोल रहा हूँ ई एफ डी, एंड डी ओ, डी ओ किसका एंगल बाइसेक्टर है, एफ डी ई या ई डी एफ, एंगल एफ डी ई है ना, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम उन्होंने टेक्स्ट में दिए ले, ट्राइंगल का नाम क्या दिए ले, ट्राइंगल का नाम दिए डी ई एफ, तो अपन लिखेंगे ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, डी ई एफ। अब तुमने बता दिए कि ये जितने भी सबके सब कौन है, एंगल बाइसेक्टर, ई ओ एंगल बाइसेक्टर है, डी ओ एंगल बाइसेक्टर है, एफ ओ एंगल बाइसेक्टर है, ई ओ किस एंगल बाइसेक्टर है, एफ ई डी का, डी ओ किस एंगल बाइसेक्टर है, ई डी एफ का, एफ ओ किस एंगल बाइसेक्टर है, ई एफ डी का, सबके सब एंगल बाइसेक्टर है। और जब एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मीट होते तो उसको ऑर्थो सेंटर नहीं बोलते, उसको बोलते इन सेंटर, क्या बोलते हैं, इन सेंटर। देयरफॉर ओ इज द पॉइंट ऑफ, ओ इज द पॉइंट ऑफ कौन है, इंटरसेक्शन, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री, ये तीनों के तीनों कौन है, ईओ डीओ और एफओ कौन है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल द थ्री, थ्री टी एच आर डबल ई ऑफ ऑल द थ्री एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, सब एंगल बाइसेक्टर का, तो ये ओ कौन हो जाएगा, पॉइंट ओ कौन हो जाएगा, इन सेंटर। देयरफॉर ओ इज द पॉइंट, ओ लिखना, मैंने पॉइंट लिखने भूल गया, ओ इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना हो सके सॉल्व करो, आएगा क्वेश्चन तो चार मार्क्स आएगा। फिनिश्ड।